याद रखना चाहता हूँ अक़लाम मुक़द्दस में से यर्मिया की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 13वीं आयत है, अगर आप इसको निकालना चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर दो बातों को दी, तीन बातें गई हैं, लेकिन हम दो बातों को काउंट करेंगे आज। तो यहाँ पर जो अहम बात दी गई है वो है, क्योंकि मेरे लोगों ने दो बुराइयां की, कितनी बुराइयां की? दो बुराइयां की, मेरे लोगों ने दो बुराइयां की। दूसरी बात, उन्होंने मुझ आपे हयात के चश्मा को तर्क कर दिया। आपे हयात के चश्मा को तर्क कर दिया और अपने लिए हौज खोदे हैं, शिकस्ता हौज जिनमें पानी नहीं ठहरता। सो मेरे अजीजों, इसमें बहुत बड़ा दोस्तों चैप्टर है, एक बहुत बड़ा, और एक ये यर्मिया का आहो नाला है। वो बनी इसराइल कौम को कह रहा है कि मेरे लोग, पहली बात तो क्या, दो बुराइयां हैं। और वो दो बुराइयां है क्या? सबसे पहले मैं यहां पर एक बात को अकाउंट करूंगा, अगर हम इसी का यर्मिया का ही पहला बाप उसकी 16वीं आयत को देखें तो वहां पर बात जो है वो क्लियर मिल जाती है कि बुत परस्ती, क्या? बुत परस्ती, और खुदा अपने बराबर किसी चीज को नहीं देखना चाहता। और इसकी गहरी तस्दीक जो मिलती है इसी चैप्टर के दो बाप की 11वीं आयत में देखते हैं तो ये बात हमें मिलती है, क्या किसी कौम ने अपने मबूदों को, हालांकि खुदा नहीं नहीं बदल डाला, पर मेरे कौम ने अपने जलाल के खुदावंद को क्या कर दिया, तर्क कर दिया। हालांकि खुदा नहीं है, लेकिन हम मुख्तलिफ किस्म के खुदा अपनी जिंदगी में नसब करके अपने खुदा को तर्क कर दिया। तो ये इस बात का वो गिला कर रहा है और वो है गैर मबूद। और दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि आबे हयात यानी कि आप देखते हैं कि हुरुब की चट्टान से लेकर खुदा जो है यीशु मसीह को है कलवरी पर एक अपने बदन से चश्मा जारी करने तक आज तक कौन जो है वो आबे हयात के चश्मे को नहीं पहचान सकी। इस